मान्य साहसी के समर्थन में यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सीधे लखनऊ से आ रहा हूं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि 26 अक्टूबर को हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन करेंगे। 24 को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बना करके अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के पूर्व मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर भी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम 24 अक्टूबर को हो, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से मुंबई आया हूं। भाइयों बहनों, मान्य साहसी के समर्थन में यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं सीधे लखनऊ से आ रहा हूं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि 26 अक्टूबर को हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन करेंगे। 24 को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बना करके अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के पूर्व मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर भी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम 24 अक्टूबर को हो, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से मुंबई आया हूं। भाइयों बहनों, 2014 के पहले इस देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर वोट भी मांगे जाते थे, योजनाएं भी बनती थी। 2014 के बाद देश के अंदर राजनीति का एजेंडा बदला है। आज योजनाएं गरीबों को, नौजवानों को, मजदूरों को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके, वंशवाद और जातिवाद की राजनीति से उभर करके, क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति से उभर करके विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर केंद्रित होकर के दुनिया के सामने अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान वहां पर पूरी भव्यता के साथ होता है, तो भाइयों बहनों, ये सम्मान भारत की 136 करोड़ की आबादी का सम्मान होता है और दुनिया के सामने भारत का एक सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी एक एक योजनाओं के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक के गौरव को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है और उसी कार्रवाई को लेकर के हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएस हैं, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को ध्यान में रख करके देश के अंदर गांव हो या शहर, नौजवान हो या मजदूर हो, किसान हो या जवान हो, इन सब के सम्मान की रक्षा और इनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए कार्य कर रही है। आज उसी कार्यक्रम के साथ आप सबको जोड़ने के लिए मैं स्वयं इस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आप सबका समर्थन प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं हमारी राजनीति किसके लिए, हमारी राजनीति होती है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाएं अगर पहुंच रही है तो समझिए शासन सफल है, अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो शासन विफल है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ गरीब, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ ठेला खोमचा लगाने वाला व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदान पर बैठने वाला मजदूर, किसान और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान, इन सबकी रक्षा का दायित्व 5 वर्षों में सफलतापूर्वक भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर मोदी जी ने जहां दायित्व को उठाया है, वही महाराष्ट्र के अंदर श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
और यही सफलता आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। यहां पर खासदार के रूप में श्री गोपाल सेट्टी जी को भारी मतों से विजयी बना करके भेजा, जिन्हें जो कहा था वो करके दिखा दिया। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना, ये अपने आप में भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। हम लोग आदरणीय राम नाईक जी यहां पर हैं और हम सब इस बारे में जानते हैं कि जब भारतीय जनसंघ ने अपनी कार्य यात्रा प्रारंभ की थी उस समय भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चल सकते। किया था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया था और संविधान देने के बाद बिना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सहमति के कांग्रेस ने चुपचाप संविधान में धारा 370 जोड़ी थी, तब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आगाह किया था और कहा था ये धारा 370 कश्मीर के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी, ये धारा 370 देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद का कारण बनेगी, कश्मीर के विकास को अवरुद्ध करेगी और व्यापक रूप से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को कांग्रेस का नेतृत्व उस समय सुना होता तो संभवतः धारा 370 लागू नहीं होती, और अगर लागू हुई थी तो उनको फिर से खेद व्यक्त करते उसे भी वापस करते। लेकिन लगभग 70 वर्ष हो गए, इन 68 70 वर्षों में जो कार्य कोई नहीं कर पाया वह कार्य कर दिया मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने उस नामुमकिन को मुमकिन में बदल करके धारा 370 को सदैव के लिए इतिहास की वस्तु बना करके भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सुरक्षा की गारंटी दी है, अब तो भारत की धरती आतंकवाद की धरती नहीं बन सकती और आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अपनी वचनबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। भाइयों बहनों, तो नेताओं के संबंध किससे जुड़ते हैं? 1993 में मुंबई में हुए दिल दहलाने वाले बम विस्फोटों की श्रृंखला, सैकड़ों लोग मारे गए और आज उस डी कंपनी से कांग्रेस एनसीपी के संबंधों को जब आप जनता के सामने संबंध उजागर हो रहे हैं तो बात इस बात को साबित करता है कि इनके नेताओं के संबंध देशद्रोही तत्वों के साथ कितने घनिष्ठ रहे हैं। इन्हें देश की सुरक्षा और देश के आम नागरिक के सम्मान की चिंता नहीं, ये लोग तो देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले इन लोगों का जवाब क्या हो सकता है? और मैं कहता हूं इन लोगों को वोट देने की बात तो दूर, जिन लोगों ने देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य किया है उन लोगों के वोट और समर्थन की बजाय भाइयों बहनों उन लोगों का तो चेहरा देखना भी अपने आप में महापाप का कारण बनेगा, क्योंकि देश के साथ महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी और बात कही थी कि देश के अंदर इस युग का सबसे बड़ा पुण्य है राष्ट्र की सेवा करना और सबसे बड़ा पाप है देश के साथ गद्दारी करना। जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जब उन लोगों का साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेता देते हैं तो स्वाभाविक रूप से देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते हैं, और यही तो कार्य यहां पर कांग्रेस एनसीपी के प्रत्याशी के रूप में यहां पर जिस व्यक्ति को इन्होंने प्रत्याशी बनाया है वह असलम शेख कौन है हर व्यक्ति जानता है। देश के लोकतंत्र के स्तंभ पर हमला करने वाला, याकूब मेनन को छुड़ाने के लिए पत्र लिखने वाला वह व्यक्ति है। तो भाइयों बहनों, देश के शहीदों का अपमान होगा, राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान को रौंदने वाला होगा जिस व्यक्ति को जेल की सिकचों के अंदर होना चाहिए वह व्यक्ति के समर्थन में, और जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है उस व्यक्ति के समर्थन में पत्र लिखने वाला व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगने की उम्मीद करता है
कि देश के साथ खिलवाड़ होगा हम सबके द्वारा, और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। और यही अपील करने के लिए आज मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अयोध्या हमारे उत्तर प्रदेश में है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र के राम के साथ मुझे कार्य करने का, उनके सानिध्य में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। आदरणीय राम नाईक जी के सानिध्य में मैंने लगभग 2.5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया, और भगवान राम के समय से, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से, उसके बाद के कालखंड में भी ये निरंतर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचते गए, और आदरणीय राम नाईक जी ने तो उन संबंधों को और नई ऊंचाइयां दी, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने लखनऊ में ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर के रहूंगा। कांग्रेसियों ने यह दिवस नहीं मनाया पूरे देश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस में तो एक परिवार के अलावा किसी दूसरे को सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उन्होंने सरदार पटेल का अपमान किया, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया। कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है और इस देश का महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिसको कांग्रेस के नेताओं ने सम्मान दिया हो? बाल गंगाधर तिलक की इस उद्घोष के शताब्दी वर्ष के आयोजन को आयोजित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं किया, लेकिन आयोजन हुआ आदरणीय राम नाईक जी की प्रेरणा से। उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन हुआ था। स्मारिका छपी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, और उस भव्य आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। महाराष्ट्र यहां पर सुविधाएं, कनेक्टिविटी है, बंदरगाह है, समुद्र की कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा के बल पर महाराष्ट्र के विकास में योगदान दे रहा है, और जब यहां पैसा कमाता है तो उत्तर प्रदेश के विकास में भी योगदान देता है। दोनों का विकास जुड़ा हुआ है, देता है और उत्तर प्रदेश की प्रगति में भी अपना योगदान देता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी यही व्यवस्था की, यही सम्मान देने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश, हम लोगों ने एक तंत्र तैयार किया है। मैंने आदरणीय राम नाईक जी से चर्चा की, जब वे राज्यपाल पद से मुक्त हुए तो मैंने उनसे ये बात कहा, मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा नौजवान और बहुत ज्यादा लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर उत्तर प्रदेश का जो आयुक्त कार्यालय है, रेजिडेंट जो यहां पर रेजिडेंट कमिश्नर का कार्यालय है, यहां पर किसी ऐसे सुयोग्य अधिकारी की तैनाती जो उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान यहां पर बैठे बैठे कर सके। हमने कहा जरूर इस कार्य को करना चाहिए, आप इस पर कार्रवाई अपना प्रारंभ करिए, और इस कार्य को हम यहाँ महाराष्ट्र के अंदर तेजी से आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की समस्या उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र में बैठ करके, मुंबई में बैठ करके उस समस्या का समाधान हम करवाएंगे, क्योंकि भी है यहाँ महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की संस्कृति को लेकर के यहाँ आया है और फिर यहाँ की प्रगति में योगदान देता है। महाराष्ट्र और मुंबई प्रगति करता है तो वह भी उसकी समृद्धि से स्वयं भी समृद्ध होता है, खुशहाल होता है, और उत्तर प्रदेश में भी अपना योगदान देता है। और भाइयों बहनों, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, और भगवान राम ने लक्ष्मण से एक ही बात कही थी, और वो बात कही थी अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने कहा था कि हे लक्ष्मण, लंका सोने की होगी लेकिन मुझे तब भी वो रुचती नहीं, मेरी तब भी रुचि का विषय नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि के प्रति सम्मान का भाव अरे भारत के हर नागरिक के मन में होना चाहिए। ये भारत हमारी माता है, और भारत माता का विकास, भारत माता की सुरक्षा, भारत माता की समृद्धि
हम सबका दायित्व है, और जो भी भारत माता की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसके हर खड्यंत्र को बेनकाब करना भारत माता के सपूतों का दायित्व है। और राजनीति में अगर कोई गलत व्यक्ति चुनता है वह बार बार सेंध लगाएगा, देश के द्रोहियों की पैरवी करेगा, देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करेगा। ये गलती हम फिर कभी नहीं होने देंगे। और यही कहने के लिए मैं ठाकुर रमेश सिंह जी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। तो भाइयों बहनों, ठाकुर रमेश सिंह जी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के मूल निवासी रहे हैं, और आप जानते लोगों ने संघर्ष के बल पर आजमगढ़ को पूरी तरह आतंक विहीन कर दिया है। आजमगढ़ में अब कोई आतंक नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। वहां पर तो तीन ही कार्य हैं, उत्तर प्रदेश में तीन कार्य हुए हैं, अपराधी जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके गया है या फिर यमलोक की यात्रा में भेज दिया गया है। आतंकवादियों के लिए केवल ये तीन ही जगह हैं, या तो देश छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाओ, या जेल के अंदर सड़ते हुए रहो, या फिर यमपुरी की यात्रा में नरक में पूरा अपने आगे के कुकर्मों को भुगतो। और इस कार्य को लेकर के प्रभावी ढंग से आजमगढ़ में आज शांति है, चमन है, अमन है। और ठाकुर रमेश सिंह जी उसी भूमि से, इनकी मातृभूमि वहां पर होकर के इन्होंने यहां पर अपनी कर्म भूमि, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, आप सबके सहयोग से यहां के विकास में अपना योगदान दिया है। और आज उसी अपील के साथ भारी मतों से भारतीय जनता पर महानता है, यही संस्कृति है। और बड़ा बनकर बड़े घर में पैदा होकर के अपने गलत कार्यों के माध्यम से पतन की ओर अग्रसर होना यही विकृति है, ये संस्कृति के लक्षण है। कि रमेश सिंह जी ने मेहनत करके अपने पुरुषार्थ और अपने दम पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस विजय यात्रा में वे सहभागी बनने के लिए हमारे साथ आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि ठाकुर रमेश सिंह जी को भारी मतों से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके महाराष्ट्र विधानसभा में उन्हें चुन करके भेजे। असलम शेख भारत माता नहीं कर पाएगा, तब कोई याकूब मेनन जैसे देश द्रोहियों के पैरवीकार कोई नहीं बचेगा फिर। और ये हम सबको सोचना चाहिए, क्यों जो लोग कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते वे इस मुद्दे पर एकजुट क्यों हो गए। MIM ने सुना है कि असलम शेख को समर्थन कर दिया है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, यहां पर भी भाजपा है, शिवसेना है, RPI है, और साथ साथ पहले से ही ठाकुर रमेश सिंह जी के जो समर्थक हैं सभी लोग मिल जाएंगे तो कोई भी इनके सामने ठहर नहीं पाएगा। और यही अपील करने के लिए आप सबके सामने इन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप यहां पर आए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे टोपी यहां पर कोली समाज के लोगों ने दी है, उत्तर प्रदेश में तो कोली समाज का संबंध किस रूप में है आपको याद होगा, भगवानपुर में बहुत भव्यता का कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पे सुंदरीकरण की बड़ी योजना बनाई है, भगवान राम और निषाद राज की मिलते हुए बहुत भव्य प्रतिमा वहां पर स्थापित होने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। और सतमुच इसको मुझे आज स्मरण कराया है यहाँ पर कोली समाज के लोगों ने टोपी पहना करके, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए ठाकुर रमेश सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।